नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में साथियों हम देखने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जनरली स्टेट बैंक का जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर 6 लाख करोड़ रुपया लोगों ने लगाया है, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी है भारत की और इसके अंदर 146 से भी ज़्यादा स्कीमें चल रही है। दोस्तों जनरली हम पैसा कहाँ लगाते हैं, हम FD में रखते हैं तो उसकी कंपैरिजन में से 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक आपको इस स्कीम में रिटर्न मिलने वाला है। FD में जो रिटर्न है उसे 3 से 4 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो इसके अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम के अंदर क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अरे आप देखते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक कर दो मेरे यारों, वीडियो लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ये स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मतलब ये इक्विटी बेस्ड प्लान है। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में आपका पैसा सीधा मार्केट में जाता है, मार्केट में पैसा जाएगा इसका मतलब रिस्क। दोस्तों रिस्क है तो इश्क है, तो इसका मतलब एक है इसमें हम इसका परफॉर्मेंस देखें एक साल में कितना इसके ने रिटर्न दिया है। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 14.5% का रिटर्न निकाल के दिया है, तो यानी कि FD से 2 गुना 3 गुना 6% रेट था FD का। अभी 3 साल की एवरेज की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 29.50% तक का रिटर्न ये दे रहा है। अभी बात करते हैं 5 साल में। दोस्तों 5 साल में इस स्कीम ने रिटर्न निकाल के दिया है 15.86%, यानी कि अप्रॉक्स 16% रिटर्न निकाल के दिया है। और ऑल टाइम यानी कि ये स्कीम आई है तब से अभी तक इसका रिटर्न है 25%, मतलब पहले से जिसने पैसा लगाया है आज तक उसको 25% इसमें रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो मतलब ये फंड मैनेज करने का जो आपके पास चार्ज लेता है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो 0.71, यानी काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। 100 रुपये अगर आप देते हो तो 70 पैसा ये चार्ज करेगा आपके पास, यानी कि 1% से भी कम, यानी कि अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड मतलब क्या, अगर आप स्कीम आपने ले ली और 1 साल पहले आपको निकल जाना है तो आपको 1% पेनल्टी लगेगी, यानी कि 1 लाख रुपये आपने लगाया, अभी 6 महीने बाद आपको लगता है नहीं भाई मुझे निकल जाना है, मुझे नहीं रहना है इसमें, तो 1% पेनल्टी लगेगी, इसको बोलते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी अच्छा है, खाली 1% है, 1% कम हो जाएगा और आप आराम से इसमें से निकल सकते हो। दोस्तों अभी आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू इसकी क्या है, 124 रुपये, यानी कि NAV भी काफ़ी अच्छी है। इसका रेटिंग 5 out of 4 star है इसका रेटिंग। और SIP मिनिमम आपको 500 रुपये से स्टार्ट करनी है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, आप कितना भी चाहे पैसा लगा सकते हो। और इसकी फंड साइज़ की बात करें तो इसका फंड साइज़ है 15,300 करोड़ रुपया। फंड साइज़ मतलब क्या, मतलब ये स्कीम के अंदर इतने लोगों ने इतना पैसा लगाया है, 15,000 करोड़ रुपया स्कीम के अंदर पड़ा है लोगों का, यानी कि इतना सारा फंड है इसका मतलब ये स्कीम काफ़ी अच्छी स्कीम है, यहाँ पे हम देखते हैं। और दोस्तों बात करते हैं तो ये फंड का जो पैसा है कहाँ कहाँ लगा है, यानी कि डेरिवेटिव इसका डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इसमें हम बात करें तो SBI ने यहाँ पे ब्लू स्टार लिमिटेड में 4% जितना पैसा लगाया है। फिर यहाँ पे आप देखो तो कार्बन डोम इन यूनिवर्सल लिमिटेड में 3.25% है, कल्पतरु पावर में यहाँ पे 3% जितना है, वीगार्ड इंडस्ट्री में 2.74 यानी कि 2.5% तक यहाँ पे पैसा लगाया है, फिर वेदांत फैशन में 2.5% है। ऐसे ही हम देखें तो त्रिवेणी टर्बाइन है उसमें 2.5% है, फाइनोक्स लिमिटेड इंडिया में है, TTX में है, ये इसके मेन में है, मतलब मेन पैसा ये कहाँ पे लगाती है ये आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी ब्लू स्टार कंपनी, काफ़ी अच्छी विगार्ड, वेदांत सब अच्छी कंपनी है, इसके अंदर पैसा लगाया है, यानी कि रिस्क थोड़ा बहुत कम है, रिस्क है लेकिन थोड़ा बहुत कम है। अभी दोस्तों हम बात करें तो 1,000 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया SIP में 20 साल तक, हर महीने 1,000, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 20 साल का, 2,40,000, और सामने मिलेगा आपको 68,50,000 रुपया। आप देखो खाली 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, 25% रिटर्न में एज्यूम करता हूँ जो पहले से चल रहा है उसके हिसाब से। अभी दोस्तों बात करें तो 2,000, अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000, और उसके सामने आपको मिलने वाला है 1,37,00,000, यानी कि आप देखो 1.25 करोड़ रुपया तक आपको मिल रहा है आराम से। अभी दोस्तों हम 5,000 रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12,00,000, और इसके सामने मिलेगा 3.25 करोड़। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्कीम है, आज ही आप SBI विजिट कीजिए और म्यूचुअल फंड में खाता खुलवा दीजिए और SIP 1,000 रुपये से स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।